मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक करेंगे। लखनऊ में आज शाम को 7 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी और शाम को 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ये महत्वपूर्ण मीटिंग लेंगे। तो कांवड़ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, सावन का महीना भी आने वाला है और ऐसे में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले शाम को 7 बजे एक महत्वपूर्ण मीटिंग उसे लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। तैयारियों की समीक्षा भी सीएम योगी करेंगे। कांवड़ यात्रा के चलते कई बार रूट प्लान में भी बदलाव देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को लेकर ऑफिसर्स के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। ১৯৮৮ बैच के आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। दुर्गा शंकर मिश्र की जगह मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है और चौथी बार अब उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला। सीएम योगी के आदेश के बाद मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। तो दुर्गा शंकर मिश्रा जिनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, अब उसके बाद यूपी के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह होंगे। अब आपको बताते हैं मनोज कुमार सिंह कौन है। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और कृषि उत्पादन औद्योगिक विकास आयुक्त रह चुके हैं, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रहे, गौतम बुद्ध नगर के डीएम भी रह चुके हैं। कई योजनाओं को धरातल पर उतारने में इनकी अहम भूमिका है। जीआईएस 2023 में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। जुलाई 2025 में रिटायर होंगे और मूल रूप से ये झारखंड के रहने वाले हैं। क्या प्राथमिकताएं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर रहेगी? धन्यवाद। मेरी पहली प्राथमिकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश तय किए हैं, जो प्राथमिकताएं तय की हैं, प्रदेश और प्रदेश के 24 करोड़ आबादी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए, उनको बहुत ही तेज गति के साथ धरातल पे उतारना है। जो उन्होंने सपना देख रखा है प्रदेश के विकास के लिए, हर दिशा में, हर विभाग में, उनको बहुत ही तेजी से क्रियान्वित करना, यही हमारा लक्ष्य होगा। सर, हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है, इसके अलावा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसा आपके जिम्मे था, पूरा आयोजन वो बेहतर तरीके से हुआ। अब जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको लेकर किस तरीके से आश्वस्त है? ये एक बहुत ही वरीयता की बात है और ये काफी ऊपर है माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडा में, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करना, और उसमें सभी विभागों का योगदान है। बट मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडस्ट्री से सीधा जुड़ा हुआ है, इसका योगदान लगभग 50% रहेगा उसमें। तो हमारी ये वरीयता होगी कि जो भी हमारे विभागीय कार्यक्रम है इंडस्ट्री के, जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, उनमें सारी इंडस्ट्रीज मौके पे जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करें। सर, अंतिम सवाल है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, क्या लग रहा है कि भविष्य में ये सब धरातल पर मजबूती से नजर आएगा, रोजगार उद्योग इनको बढ़ावा मिलेगा उत्तर प्रदेश में? बहुत तेजी से इस तरह का जो अभी माहौल बना हुआ है प्रदेश में निवेश का, और जो लोगों में उत्सुकता है और जो लोगों में एक तरह से आप कहिए आने के लिए यहाँ पर निवेश करने के लिए जो उनमें तत्परता है, उसको देखते हुए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो हर हाल में पूरा होगा। थैंक यू। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार किया और कहा कि हमारे देश में महादेव को पूजने वाले काफी ज्यादा हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों से उनकी तुलना ना करें। तो उनको ये जानकारी नहीं है कि ये देश जो है बहुलता इस देश में महादेव को पूजने वाले लोगों की है, और कंवरिया एक विशेष पर्व है जो साल में सिर्फ एक बार ही आता है। नमाज तो रोज पढ़ी जाती है, जुमे की नमाज हफ्ते में एक बार पढ़ी जाती है, तो नमाज से कोई कंवरिया यात्रा की तुलना नहीं हो सकती। और यदि नमाज सड़क पर पढ़ने की आवश्यकता क्या है, अगर इतनी ही चिंता थी तो आप उनको सलाह दे सकते थे कि वो अपने घर में बैठकर नमाज पढ़ लें।
टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया को फोन कर जीत की बधाई दी। रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए पीएम ने बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने फाइनल में विराट कोहली को उनकी पारी और क्रिकेट टीम में उनके योगदान को सराहा। पीएम मोदी ने हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ की। साथ ही पीएम ने भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए राहुल द्रविड़ का भी शुक्रिया अदा किया। इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।